हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, वापस से आ चुका हूँ ऑटो शूट में और एक नई गाड़ी का इंटीरियर मॉडिफिकेशन दिखाने के लिए। जी हाँ, आज जो गाड़ी है अपने पास वो है स्कॉर्पियो वाइट कलर की। तो इसमें थोड़ा सा यूनिक काम हुआ हुआ है, क्योंकि आपने मैक्सिमम जो ऑटो शूट का मैंने जितने भी वीडियोज़ डाले हैं उसमें आप जो इंटीरियर का मॉडिफिकेशन देखते हो ज़्यादातर फैब्रिक में ही देखते हो। तो इस जो स्कॉर्पियो है इसमें मोस्टली मैक्सिमम जो पार्ट्स है वो पेंटेड हुआ हुआ है, तो ज़्यादातर आपको ऑटो शूट का शॉप में आप देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उन लोग ने अब ये भी शुरू कर दिया है, तो जो भी भाई है जिनको अपना जो इंटीरियर का डैशबोर्ड है, डोर पैनल है, वो कलर कराना चाहते हैं, कोई भी अपना चॉइस का जो भी आपका जो भी फेवरेट कलर है तो आप करा सकते हो। तो चलिए चलते हैं स्कॉर्पियो के अंदर और आपको एक एक चीज़ बताता हूँ इसमें क्या क्या काम हुआ है। सो गाइस, स्कॉर्पियो के अंदर आ गया। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे डैशबोर्ड, तो इसमें बेसिकली स्कॉर्पियो में तीन कलर का ज़्यादा यूज़ किया इंटीरियर कस्टमाइजेशन में। आपका एक तो ब्लैक कलर हो गया, एक टैन कलर हो गया और एक मैरून कलर हो गया। तो आप जितने भी पार्ट्स अभी डैशबोर्ड में देख रहे हो, इवन डोर पैड्स हो गए और बैक साइड में आप देख रहे होगे, तो ये सब पेंटेड पार्ट है। इसमें कोई भी फैब्रिक यूज़ नहीं किया, ये सब पेंटेड है। तो जो फिट एंड फिनिश आपके सामने है पेंट का भी आप देख लो, बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है इसमें। आप फिजिकली भी देखोगे तो आप बोल नहीं पाओगे, इतना अच्छा फिनिशिंग दिया गया है। ऊपर में ये मैरून कलर का नापा लेदर यूज़ किया गया है और इसका स्टिचिंग भी आप देख सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त है। और इधर आते हैं गियर नॉब के सामने, तो आप इसका फैब्रिक देखोगे, ये भी ब्लैक कलर में है। स्टेयरिंग है ये ब्लैक एंड मैरून कॉम्बिनेशन में दिया गया है, क्योंकि डैशबोर्ड टैन एंड मैरून है तो ब्लैक और मैरून का यूज़ किया गया है इसमें। और ये लेमिनेटेड स्टिचिंग बोला जाता है इसको, तभी आपको ये OEM फिटमेंट जैसा एकदम लुक आता है। सीट कवर ब्लैक और थोड़ा सा पाइपिंग सिल्वर का दिया गया है स्पोर्टीनेस बढ़ाने के लिए, जो काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है टैन कलर के साथ। ऊपर का रूफ कंप्लीट ब्लैक और इसमें एम्बियंस लाइट भी लगा हुआ है कार्डी का। इसको ऑन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इसका कनेक्शन नहीं किया हुआ है, अभी कुछ काम बाकी है। क्योंकि आप देख सकते हो इस यहाँ हैंडल पार्ट भी नहीं लगा हुआ है इसका, इसका हैंडल पार्ट इस तक पड़ा हुआ है, तो छोटा मोटा अभी काम बाकी है। और जो डोर पैनल का आपका ये जो पार्ट सब है ब्लैक, ये फैब्रिक है और ये सिल्वर कलर भी ये पेंटेड है। और ये जितने भी पिलर है आपका, ए पिलर, फिर यहाँ का ये पिलर, बी पिलर, पीछे का पिलर, ये सब में भी ब्लैक कलर का फैब्रिक लगा हुआ है, ये पेंटेड नहीं है, इसमें फैब्रिक लगा हुआ है। आई होप गाइज आपको जो स्कॉर्पियो में काम हुआ है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी इसी टाइप का अपने गाड़ी के लिए काम करवाना है तो ऑटो शूट से आप कॉन्टैक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है ऑटो शूट का, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेना। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, आप प्राइस नहीं बोलते हो, तो गाइज मैं प्राइस नहीं बोल सकता क्योंकि ये वेरी करता है आप किस टाइप का काम करा रहे हो इंटीरियर का। उसमें फैब्रिक अलग टाइप का यूज़ होता है, कोई सस्ते वाले यूज़ करते हैं, कोई महंगे भी यूज़ करते हैं, कोई फुल बॉडी इंटीरियर कस्टमाइजेशन करते हैं, कोई हाफ बॉडी करते हैं, तो उससे प्राइस वेरी करता है। अगर आपको प्राइस जानना है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो ऑटो शूट को। अगर आप गुवाहाटी में रहते हो तो आप डायरेक्ट शॉप में विजिट करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहाँ आप फिजिकली आप काम देख सकते हो और रॉ मटेरियल्स जो यूज़ होता है गाड़ी में वो देख सकते हो, तो उस हिसाब से वहाँ आपको प्राइस बता देंगे। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय। Wake up every minute with a fever dream. I push my mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me.